नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर कोजी केयर प्लस स्किन लाइटिंग क्रीम के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप यह कौन सी स्किन की समस्या को दूर करती है और इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, कौन से बेनिफिट हैं, अगर दोस्तों इस क्रीम का आप यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पूरी वीडियो है जो एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन से जो इन्ग्रीडियंट्स है मिलाकर यह क्रीम बनाई गई है, पूरा जो इसका विवरण है अभी बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ आपको। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से भी आसानी से आप पढ़ सकते हो। पूरी जानकारी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, बने रहिए दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी और सही राह मिलेगी। बीटी टिप्स हिंदी चैनल आपको सही राह देता है, कभी भी गलत नहीं। बहुत ही जो अच्छे इंग्रेडिएंट से मिलाकर ये बनाई गई क्रीम है, इसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल ये सेफ क्रीम है विदाउट साइड इफेक्ट के भी। तो दोस्तों, इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल ये स्किन लाइटिंग क्रीम है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी, पिंपल्स, कील, मुहासे, ब्लैक निशान, झुर्रियों के निशान, रोम छिद्र है, तो उसको हमेशा के लिए हटाने वाली बहुत ही अच्छी क्रीम है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है दोस्तों। आप यूज़ कर सकते हैं रोम छिद्र को, और झुर्रियाँ हैं जो काले धब्बे होते हैं उसको भी हमेशा के लिए, और साथ साथ फेयरनेस देती है, बहुत ही अच्छी स्किन पर यह वर्क करती है। दोस्तों, कौन सी स्किन के लिए सुटेबल है, किस तरह से वर्क करेगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले विटामिन जो ई है 0.5% इसके अंदर मौजूद है। जो विटामिन ई है वो स्किन को फेयरनेस ग्लोइंग देने में बहुत ही सक्षम रहती है, तो बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। कोजिक एसिड है वो 2.5% जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही सूटेबल माने गए। कोजिक एसिड है, ब्लैक निशान उसको हल्का करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और यहाँ पे देखो अर्बुटीन है, विटामिन जो सी है, ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं दोस्तों विदाउट साइड इफेक्ट के। दोस्तों, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, दोनों इस क्रीम को यूज में ले सकते हैं, केवल रात में इस क्रीम का उपयोग में ले, ना कि दिन में। दिन में दोस्तों इस क्रीम का उपयोग में बिल्कुल भी नहीं लेना, केवल रात में ही इसका उपयोग में ले और सोने से पहले ले। चाहे आपकी स्किन किसी प्रकार की हो, ऑयली हो चाहे ड्राई हो, नॉर्मल हो, सभी प्रकार की त्वचा के लिए क्रीम अवेलेबल है, तो यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। चाहे लड़का हो, अगर इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो दिन में यूज़ में ना लें, रात में लें। दिन में आपको सनस्क्रीन क्रीम का ही यूज़ में लेना है, ठीक है। अब दोस्तों, उपयोग में लेने से पहले आपकी स्किन साफ़ करनी है, वॉश करनी है बेस्ट फेस वाश से, और जो भी आपकी स्किन पर पानी है वो सूती कपड़े से साफ कर इस क्रीम को लगाकर पूरी स्किन के ऊपर गोल हल्के हाथों से मसाज करना है, जब तक स्किन के अंदर समान आ जाए तब तक ये वर्क करना है दोस्तों। इसी प्रकार यूज़ कीजिए और सुबह उठते गुनगुने पानी से स्किन को साफ करना है और सनस्क्रीन क्रीम का यूज़ में लेना है दोस्तों। 5 या 7 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देना महसूस होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेस्ट क्रीम है विदाउट साइड इफेक्ट के दोस्तों। मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ, आपको 312 रुपये में जल्दी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप कमेंट करोगे तभी इसके लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी, अन्यथा नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं।